दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 का अपकमिंग एपिसोड वाकई काफी दिलचस्प होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि मंडे का एपिसोड है, तो जाहिर सी बात है कि हमें घर के अंदर नॉमिनेशन का नया टास्क देखने को मिलने वाला है। और इस बार का नॉमिनेशन टास्क तो वाकई बेहद ही हटकर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर घर वाले जो है एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिग बॉस ने यहाँ पर घर वालों को पावर्स देने की बजाय अपने लाडले यानी कि विवियन डिसना को जो है पूरी की पूरी पावर्स दे डाली है। इन दिनों विवियन के ऊपर बिग बॉस और उनके जो मेकर्स है वो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, जिसके चलते विवियन को एक तो हद से ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है और हद से ज़्यादा उनको जो है पावर्स दी जा रही है, उनके लिए हर चीज़ माफ़ है। खैर दोस्तों, बात करें नॉमिनेशन टास्क की, तो आपको बता दें कि कल के एपिसोड के दौरान टाइम गॉड विवियन को जो है बिग बॉस घर वालों को नॉमिनेट करने का अधिकार देंगे। दरअसल घर के अंदर होने वाला जो नॉमिनेशन टास्क है वो एक्टिविटी एरिया में होगा। घर के सभी कंटेस्टेंट को एक्टिविटी एरिया में जो है आने का आदेश दिया जाएगा, और इसके बाद बिग बॉस जो है विवियन को समय समय पर 3 कंटेस्टेंट के नाम देंगे। अब विवियन जो है उनमें से एक या दो सदस्यों को जो है अपनी मन मर्जी के मुताबिक कारण बताते हुए जो है नॉमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि श्रुतिका, सारा और करणवीर में से यहाँ पर जो है सारा और श्रुतिका को जो है करणवीर जो सॉरी विवियन जो है वो नॉमिनेट करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ने नियमों का उल्लंघन किया है। श्रुतिका से तो वैसे ही विवियन जो है खुन्नस खाए हुए बैठे हैं, वहीं सारा ने घर के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते जो है वो सारा को भी नॉमिनेट करेंगे। हालांकि इस बार वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दोस्ती निभाएंगे और करणवीर को छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, करणवीर को इस बार नॉमिनेशन का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर इस बार का जो नॉमिनेशन टास्क है वो वाकई बेहद ही दिलचस्प होगा, जिसमें कि विवियन डिसना घर वालों से अपनी दुश्मनी का बदला ले सकेंगे। फिलहाल तो देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर मेकर्स जो है वो रजत दलाल को और नीचे गिराने के लिए और नीचे दिखाने के लिए कौन से नए पैंतरे आजमाते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आज के एपिसोड के दौरान किसी न किसी तरीके से बिग बॉस जो है रजत को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रजत का रवैया ही ऐसा है कि यहाँ पर रजत को दबाने के लिए जो है सॉरी जिस होस्ट को भेजा था वो भी कहीं ना कहीं यू टर्न लेते हुए दिखाई दिया। हालांकि घर वाले जिस तरीके से रजत का मजाक उड़ा रहे थे, उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड तरीके से दिखाया गया था, यानी कि रजत को वो बेहद ही ज़्यादा जो है कमज़ोर दिखाना चाहते हैं, उसे वीक करना चाह रहे हैं, लेकिन रजत जो है मेकर्स की चाल में नहीं फंस रहे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? आप भी अपनी राय बताइए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।